सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 6 देख रहे हैं, राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल हमारे देश में बहुत सारे हैं। इसमें जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल आते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो लेवल है, प्रभुत्व है, वो राष्ट्रीय है, मतलब नेशनल लेवल पे, हिंदुस्तान के लेवल पे ही आते हैं। तो दुनिया भर में एक संघीय प्रणाली का पालन करने वाले लोकतंत्रों में दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। यानी जहां पर भी संघीय प्रणाली होती है, कहने का मतलब कि आपका एक नेशन होगा और फिर उसके अंदर स्टेट्स होंगे। जैसे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एक है, देश है, और उसके बाद उसके अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो जो संघीय प्रणाली पालन करते हैं, ऐसे लोकतंत्रों में दो तरीके के राजनीतिक दल होते हैं। एक वो दल होते हैं जो केवल संघीय इकाइयों में से एक में मौजूद होते हैं, यानी वो केवल फेडरल में होंगे, यानी कि जो हिंदुस्तान के लेवल पे होंगे वहीं ही होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके इकाइयां सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। यानी हिंदुस्तान के नक्शे को आप देखिए, हिंदुस्तान के नक्शे में जो दिल्ली में होंगे या दिल्ली में प्रभुत्व रखते होंगे, एक तो उस तरीके के होंगे, एक ऐसे होंगे जो दिल्ली में भी प्रभुत्व रखते हैं और साथ में हर स्टेट में भी उनका से है, हर स्टेट में भी वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं। तो देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होता है, कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब हम ये पार्टी है और हम आपसे रजिस्टर करते हैं ताकि चुनाव आयोग जान जाए कि ये पार्टियां हैं। चुनाव आयोग सभी पक्षों के साथ बिल्कुल समान व्यवहार करता है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, स्थापित पार्टियां हैं, रिनाउंड पार्टियां हैं, जो चली आ रही हैं सालों से, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। जो पार्टियां जिनको थोड़ा स्पेशल एक विशेषाधिकार प्राप्त कह सकते हैं, लेकिन इनको विशेषाधिकार प्राप्त ऐसा नहीं होता, मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दूंगा या फिर इसका तरीका बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है उनको कुछ सुविधाएं मिलती है। एक, ये चुनाव आयोग द्वारा, यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है जो चुनाव करवाता है पूरे देश में, उससे उनको मान्यता मिल जाती है, रिकॉग्नाइज हो जाती है ये कि ये पार्टी रिकॉग्नाइज है। इसीलिए इन दलों को हम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहते हैं। अभी मैं आपको नाम गिनाऊंगा, ये सारे मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो स्टेट के अलग अलग पार्टीज हैं वो, उनको मान्यता मिली हुई है। तो इनको क्या होता है, ये जो विशेषाधिकार हैं या जो स्पेशल हैं, उनको स्पेशली चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, और ये जो चुनाव चिन्ह है ये इनके पास होते हैं और कोई इन्हें यूज नहीं कर सकता, स्पेशल चुनाव चिन्ह है। जैसे कि अगर हाथ का हाथ है तो इसका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, ये विशेषाधिकार प्राप्त पार्टी है। ऐसी यहाँ पर आ जाइए, तृणमूल कांग्रेस है, विशेषाधिकार प्राप्त, आपकी मान्यता प्राप्त कह सकते हैं इसको, रिकॉग्नाइज पार्टी है। तो इसी ये मिलती कैसे है, इसका थोड़ा साइंस समझिए कैसे होता है। सबसे पहले कोई भी पार्टी राज्य विधानसभा, यानी कि जो एक राज्य में, एक स्टेट में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जितने भी वोट पड़ते हैं, अगर 6% मतलब 100 में से 6, अगर 6% अगर इनको वोट मिल जाता है या उससे अधिक मिलता है, 6% कट ऑफ लिमिट है, 6 या उससे अधिक मिलता है, या फिर कम और उसके साथ कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज कराती हैं, ध्यान रखिए 6% से ज्यादा वोट होना चाहिए और कम से कम 2 सीटों पर जीत होनी चाहिए, तो ये राज्य राजनीतिक दल के रूप में इनको मान्यता मिल जाती है। राज्य के, ये स्टेट का हो गया, ये स्टेट का हो गया। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो वोट पड़ रहे हैं उसका, या फिर 4 राज्यों में विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें दर्ज करता है, तो उसे हम राष्ट्रीय दल की मान्यता देते हैं। फिर से समझिए इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता दूं कि 2006 में ऐसे 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे, 6, लेकिन आज हमारे पास 8 है, इनका मैं नाम बताऊंगा अभी, पहले इसको समझिए। राज्य के लिए क्या होगा, अब ये एक स्टेट है, ये स्टेट हो गया, कोई भी स्टेट ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, चलिए 6% वोट इनको मिला, एक पार्टी का पी पार्टी मान लेते हैं, 6% इनको वोट मिला, और साथ में कम से कम दो, मान लीजिए जो ये स्टेट है इसमें 50 सीटें हैं, ये 50-55 सीटें मान लीजिए, 50-60 सीटें मान लीजिए, 50 सीटों में इनको कम से कम 2 सीटें मिल गई, एक तो 6% से ऊपर इनको, 6% या 6% से ऊपर वोट शेयर होगा और 2 सीटें मिल जाए,
तो ये जो पार्टी है पी, ये अपने आप राज्य वाली पार्टी हो जाएगी। राज्य के हिसाब से इनको मान्यता मिल जाएगी कि ये एक स्टेट प्रोविंशियल पार्टी है। ये हो गया। अब आइए आप लोकसभा में। लोकसभा में जो वोट मिल रहे हैं, ये जो दल है, अब मान लीजिए पार्टी पी है, लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा चुनाव में जो वोट पड़ रहे हैं उनके कुल वोट का 6% पूरी लोकसभा में, ठीक। और इसके अलावा चार राज्यों में, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, चार राज्य, मतलब इन पे एक तो ये हो गया जो कुल परसेंटेज में मैंने बता दिया, साथ में जो चार राज्य है, चार राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% अगर हासिल करते हैं, फिर से समझिए कि चार राज्यों में जो विधानसभा में, या तो ये 6% हासिल कर ले लोकसभा में चुनाव में पड़े कुल वोट का, या फिर चार राज्यों में विधानसभा के जो कुल वोट पड़े उसमें 6%, मतलब चार राज्यों में 6%, या 6%, या 6%, या 6%, या इससे ऊपर, 6 या 6, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 हो गया, यहाँ 13% हो गया, या 18% हो गया, या 7% हो गया, तो ये अपने आप पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। मतलब कुल मिला के जो वोट पड़े पूरे लोकसभा में, मान लीजिए 100 में से 6% इनको वोट मिल गए पूरे देश का जब लोकसभा चुनाव हुआ, या फिर जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें चार स्टेट में 6% या उससे अधिक मिले, तो ये राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। अब ये जो पार्टियां हैं इनके बारे में एक एक करके मैं बताता हूं। पहले मैं नाम बता दूं आपको, ऑल इंडिया ये अल्फाबेट के हिसाब से है, तो एक एक करके देखते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये 1998 में बनाई गई थी, ममता बनर्जी इसके फाउंडर हैं, इन्होंने बनाया। पार्टी सुप्रीमो भी यही है, इनका जो पार्टी सिंबल है ये फूल है। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी पे, ये 1984 में बनाई गई, बीएसपी कहते हैं इसको, काशीराम जी ने बनाया, मायावती इसकी सुप्रीमो है, और हाथी इनका चुनाव चिन्ह है। अब तीसरे पे आते हैं भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है आजकल ये, तो 1980 में इसका फाउंडेशन हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ इन्होंने बनाया था, फिर इसको रिवाइटलाइज किया गया था, रिजुविनेट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी द्वारा। तो अभी जेपी नड्डा साहब इसके सुप्रीमो है, और कमल का फूल है इनका चुनाव चिन्ह। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनी थी, बहुत सारे लोगों ने बनाई थी। आज जो इनके सुप्रीमो है वो डी राजा है, और ये हसिया, और यहाँ पर जो गेहूं की धान का एक फोटो है यहाँ पे। इसके बाद सीपीआईएम, ये मार्क्सिस्ट वाले हैं, 1964, ज्योति बसु और नंबूदरी पाल साहब ने इसको बनाया था, और सीताराम येचुरी आजकल इसके हेड है, यहाँ पर हथौड़ा है और साथ में हसिया है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1885 में बनाया गया, ये चार साहब लोग थे। सोनिया गांधी जी इसके अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है, मैं 2020 की और 19 की बात कर रहा हूँ, एंड और स्टार्टिंग की, पंजा इनका निशान है। फिर ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 1999 में बनाई गई थी, पवार साहब, संगमा और तारिक अनवर साहब ने। शरद पवार इसके सुप्रीमो है, घड़ी है इनका चुनाव चिन्ह। फिर आप आइए आ जाइए नेशनल पीपल्स पार्टी में, ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी में ये बहुत जल्दी अभी बनाई गई है और अभी अभी शामिल हुई है। ये किसमें, ये इन इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट बनी है ना 8 की जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ, वो अभी भी आई है। NPP संगमा साहब है, ये जो PA संगमा साहब है इन्होंने बनाई है, और कॉन्रेड संगमा इसके हेड है, किताब है इनकी जो चुनाव चिन्ह है। तो कुछ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं, सबसे पुराना दल है, 1885 में बनाई है, और इसके बाद 1971 से लेकर 1990 तक इन्होंने वो किया, राज किया, 1989 तक, 1990, फिर इसके बाद देखिए जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद 1971 तक, उसके बाद फिर बीच में ब्रेक आया 1980 से लेकर 1989 तक, राइट। इनका जो मेन एजेंडा है, सबका एजेंडा बताऊंगा मैं आपको, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, और जो कमजोर वर्ग है, खासतौर पे अल्पसंख्यक समुदाय है, सिख हो गए, मुसलमान हो गए, और बाकी जितने भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको आगे बढ़ाना इनका मुख्य एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी पे आते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो जनसंघ था पुराना, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, वो उसको पुनर्जीवित किया अडवाणी साहब और वाजपेयी साहब ने 1980 में, फिर ये पार्टी बनी, बड़ी लेटेस्ट पार्टी है, इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो इनका मेन जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म, देश के प्रति प्यार, और राजनीति इनका जो बेसिक चीज़ है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यानी कि जो हिंदुत्व है, जो हिंदू हिंदू या हिंदुस्तान की संस्कृति जो चली आ रही है उसके ऊपर राष्ट्रवाद है, कि हिंदू सबसे बेटर है, हिंदुत्व सबसे अच्छा है, और इसी को हमको एक देश बनाना है, यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है,
ये इनका मेन एजेंडा है, समान नागरिक यानी सबका, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हो सबको बिल्कुल समान कर दिया जाए, सबके लिए सेम रूल हो, धर्मांतरण नहीं होगा, कोई सिख जो है वो क्रिश्चियन नहीं बन सकता, कोई और किसी धर्म में नहीं जा सकता, धर्मांतरण बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल इसके घोर खिलाफ है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से ये पार्टी फिर 1998 में सत्ता में आई, इसको हम कहते हैं NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी पे, BSP कहते हैं इसको। ये इनका मेन जो है वो है दलित आदिवासी पिछड़ी जाति और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके लिए ये बात करती है। और किसको ये आदर्श मानते हैं, जो साहू महाराज जी हैं, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी शिक्षा इनके विचारों से प्रेरणा लिया हुआ है इन्होंने, उसी के विचारधारा पे चलते हैं। CPI पे आते हैं, ये CPIM है जो मार्क्सवादी, जो कार्ल मार्क्स रहे ना उनके हिसाब से चलते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता इनका एक मेन वो है और लोकतंत्र के समर्थक है और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के बिल्कुल बिल्कुल विरोधी हैं। जो साम्राज्यवाद होता है कि भाई एक एनार्की मोनार्की जिसे कहते हैं और कोई कम्युनलिज्म नहीं होगा, इसके ये बिल्कुल पक्षधर है कि कम्युनलिज्म से बिल्कुल दूर भागते हैं। इसके अलावा ये किस किस जगह बहुत इनका नाम है, एक तो पश्चिम बंगाल में है, केरल, केरल में तो इनकी सरकार बनती ही बनती है, बहुत सालों से बनते चले आ रही है, त्रिपुरा में इनका बहुत अच्छा आधार है। अब CPI का ही एक फैक्टर है या फिर क्या कहते हैं एक विभाजन है, CPIM और CPI, ये दोनों एक ही थे पहले। तो अब CPI जो है ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स, लेनिन जो रशिया के थे उनकी विचारधारा पे चलते हैं। इनका भी मेन चीज़ है कि धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, तो सारे धर्म बराबर है, लोकतंत्र में आस्था है, डेमोक्रेसी में आस्था लगाते हैं। अलगाववादी और सांप्रदायिक तत्वों के विरोधी है बिल्कुल, अगर कोई अलगाववादी है, कोई सेपरेटिस्ट है और कोई सांप्रदायिक ताकत है यानी कि हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाले जो बात करते हैं वो उसके बहुत विरोधी है। खासतौर पर ये जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, गरीब के बारे में बात करते हैं। और फिर उसके बाद एक आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये है NCP। हम NPP की बात नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा इनके बारे में दिया नहीं है, लेकिन NCP है नेशनलिस्ट, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। तो ये कांग्रेस पार्टी से ही बनी है, 1999 में विभाजन हुआ था क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी थी तो उसको लेके इन्होंने फिर अलग पार्टी बनाई कि भाई कोई भी जो इसका सुप्रीमो होगा, मतलब देश का जो भी संवैधानिक पद होगा उसमें कोई भी देश का नागरिक, देश में जन्मा नागरिक होगा, जो हेड होगा या जो भी बड़े पोजीशन पे जाएगा वो देश का नागरिक होगा, क्योंकि सोनिया गांधी बाहर की थी इसीलिए ये थोड़ा सा इनका फैक्टर बन गया। लेकिन इनके सब विचारधारा वही है, गांधीवादी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद, ये सब इनका है। अब आते हैं प्रांतीय दल पे, प्रांतीय दल मतलब एक जो स्टेट पे, हमारे पास कितने स्टेट है, 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। प्रांतीय दल पे आ जाए तो राज्य पार्टी जो एक राज्य में चलती है, तो 8 दल जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा हमारे जो अलग अलग जो राज्य हैं उनमें भी दल हैं, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने दे रखा है, मतलब मान्यता दे रखी है, जैसे समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे कई राज्यों में इनका राष्ट्र, मतलब ये कई राज्यों में भी है और साथ में राष्ट्रीय स्तर पे भी है, मतलब दोनों ही स्तर पे ये चुनाव लड़ती हैं, काम करती हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जैसे BJD हो गया, बीजू जनता दल जो उड़ीसा की है, सिक्किम के लिए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट या इसको हिंदी में कहेंगे सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, ऐसे मिजो नेशनल फ्रंट है, ये केवल अपने राज्य में ही इनकी पहचान है, ये बाहर ज़्यादा यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे इनकी ज़्यादा पहचान नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी को, जैसे किसी भी को सरकार बनानी होती है, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो इनको जो स्टेट है, जैसे यहाँ पर दिल्ली के कोई प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मेजॉरिटी चाहते हैं, तो उनको स्टेट के साथ गठबंधन करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय दल जो है वो बिल्कुल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल मेजॉरिटी नहीं मिलती, जैसे 2019 के चुनाव में 303 प्लस BJP को मिल गई, लेकिन इसके पहले के चुनाव में हमने ये देखा कि NDA, UPA इस तरीके से अलायंसेस बने ताकि स्टेट वाले जो प्रांतीय दल है उनको लिया जा सके, क्योंकि उनका भी, क्योंकि जो फिर राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे वो कहाँ से चुने जाएंगे, स्टेट से चुने जाएंगे, है ना, उसको विधानसभा चुनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, MP जो यहाँ से इलेक्ट होते हैं इस पार्टी के भी, BJD के, वो इनको चाहिए इस तरीके से। तो इनका बड़ा शक्ति का विकास हुआ है, ये कहें कि ये सारी की सारी पार्टियाँ बड़ी प्रगाढ़ और बड़ी स्ट्रेंथ इनको मिल गई है, और इससे हमारा संघवाद जो है, फेडरल सिस्टम है कि हमारा एक सेंटर होगा, फिर अलग अलग राज्य होंगे, उसमें अलग अलग सरकार होगी, तो संघवाद और जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इससे बहुत तगड़ी हुई है, बहुत बढ़िया हुई है। अब ये अलग अलग 53 अभी फिलहाल के जो मैं अब जब बोल रहा हूँ तब रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टियाँ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो हमने कुछ नाम लिए वो तो हैं, साथ में अलग अलग जगह देखें, जैसे जम्मू कश्मीर में आपका PDP हो गई,
यहाँ पर उत्तराखंड में आइए तो वहाँ के क्रांति दल, आपको जो क्रांति दल वो स्टेट का है, ऐसी शिरोमणि अकाली दल आपको पंजाब में मिलेगा, और भी है, शिवसेना महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में आपको फॉरवर्ड ब्लॉक और ये सारी पार्टियां मिलेगी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियां। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मणिपुर में मणिपुर पीपल्स पार्टी है, तो ये सारा एक एक व्यू में आप देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा 53 रिकॉग्नाइज 53 रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टीज है हमारे पास। तो राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या है, देखिए सबसे पहले समझिए कि दुनिया भर में जब भी कोई दिक्कत होती है, अगर डेमोक्रेटिक अगर लोकतंत्र की बात करें तो सब लोग राजनीतिक दलों को ही बोलते हैं कि राजनीतिक दल के कारण हो रहा है। तो क्या चुनौतियां हैं इनके हमारे सामने, पहली चीज तो ये है कि जो पार्टियां हैं उनके अंदर खुद ही लोकतंत्र नहीं है, यानी कि कुछ नेता एक पार्टी में, जैसे P1 पार्टी है, इसमें ये नेता हो गए, बाकी पूरी जनता है, ये नेता ही हमेशा जीत रहे हैं, ये नेता ही हमेशा इनको इन्हीं की बात सुनी जा रही है, यही अपना डिसीजन ले रहे हैं, खुद ही निर्णय ले रहे हैं, मतलब एकाधिकार हो गया इन नेताओं का, और किसी के पास नेता, सब इन्हीं को एज अ मॉडल देखते हैं, एज अ भगवान देखते हैं, एज अ मतलब लीडर देखते हैं, बाकी और जो है उनके लिए कोई जगह नहीं बन पाती है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, क्योंकि समझ लीजिए कुछ नेता जो है वो इतनी बड़ी पोजीशन पे आ जाते हैं कि जो लोग उनके नेतृत्व का नहीं मानते, जैसे कोई नेता बन गया, अब बहुत सारे लोग होते हैं एक पार्टी के संगठन में, वो लोग इनको नहीं मानते तो फिर उनका क्या होगा, वो तो उस पार्टी में नहीं रह पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है, क्योंकि कई पार्टियों में ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, न नियमित रूप से इनकी कोई बैठक हो रही है, आंतरिक कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है, बस ये इनका नाम से ही ये चला जा रहा है कि ये भाई बड़े आदमी है यही बनेंगे, और उसके बाद जो सूचनाएं हैं ये लोग आपस में ही बस करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं का क्या होगा, सूचना इनसे साझा भी नहीं करते। एक तो ये चुनौती आ गई राजनीतिक दलों की, जो हम चुनौती देख रहे हैं। दूसरी चुनौती इसमें जो आती है वंशवाद, मतलब अगर आपके पासवान साहब हैं, पासवान साहब का बेटा जो होगा वही वो राजनीति में आएगा। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हर जगह यही एग्जाम्पल है, पूरे पॉलिटिक्स में ये भरा हुआ है कि अगर आदित्य ठाकरे जी हैं तो वो उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं, तो वंशवाद चला जा रहा है। तो एक वंशवाद सबसे बड़ी चुनौती है इसमें। लेकिन अब देखिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है मोस्टली देखा गया, तो ये इसमें ये नॉर्मल बात है, लेकिन ये चुनौती है, क्योंकि होता ये है कि वो लोग, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नेता है, वो क्या करेगा, अपने नज़दीकी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे अपनी बेटी, इन सबको आगे बढ़ाएगा। तो वो लोग जो होते हैं जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं उस पार्टी के लिए, वो कैसे आगे बढ़ेंगे जब परिवारवादी चलता रहेगा, या फिर ये जिसे हम कहते हैं नेपोटिज्म कहेंगे या वंशवाद कहेंगे, वो अगर हमेशा रहेगा। तो तीसरी चुनौती क्या आती है, एक तो पैसा और बाहुबल। अब देखिए अगर कि जो जिसके पास पैसा होता है, मोस्टली हर पार्टी कोशिश करती है कि ऐसे उम्मीदवार को उतारे जो उसके पास पैसा है, जिसके पास बल हो, बाहुबल हो, जो दबंग हो, जिसके पास पैसा हो। तो अमीर लोग जो खासतौर पे ये मैं कह रहा हूँ चुनाव के दौरान होता है, क्योंकि होता यह है कि जिन जो पैसे जिनके पास है और जो अपराधी हैं, कई बार जो है पार्टियां जो है वो अपराधियों का भी समर्थन करने लगती हैं। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा एग्जांपल कि कितने सारे अपराधी हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं। उसके बाद अमीर लोगों जो कंपनियां हैं पार्टियों को पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं, तो अगर अमीर आदमी पैसा देगा तो जब पार्टी की सरकार बनेगी तो वो तो उनके लिए फैसले करेगी। तो ये जो नीतियां हैं और निर्णय पर बड़ा बड़ा फैसला बनता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ मामलों में जैसे मैंने बताया आपको कि अपराधियों को भी समर्थन दे दिया जाता है, क्योंकि भाई चुनाव कौन जिताएगा, या पैसे वाले या अपराधी, ये बड़ी एक दिक्कत है राजनीतिक पार्टियों में। फिर उसके बाद चौथी चुनौती जो आती है वो ये है विकल्पहीनता, मतदाताओं के पास ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए एक पार्टी ये है एक पार्टी ये है, अब दोनों एक ही तरह की बात कर रही हैं। अब CPI बात करती है धर्मनिरपेक्षता की, इंडियन नेशनल कांग्रेस बात करती है धर्मनिरपेक्षता की, सारे धर्म बराबर है, सब लोग एक जैसे हैं, अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए फिर लोग BJP पे चले गए। उन्होंने कहा भाई 80% जो जनसंख्या है वो हिंदू है, उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और देश और बाकी सब जो माइनॉरिटीज है उनको किसी तरीके से तो इस तरीके से इन्होंने BJP ने 2 बार सत्ता हासिल की, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन अगर ये कुछ अच्छा देते, कोई विकल्प देते, तब तो लोग इनकी तरफ जाते भी, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी नीतियां कार्यक्रम इस तरीके से मिल गए हैं, इस तरीके से एक जैसे हो गए हैं, क्योंकि इनके वैचारिक अंतर, इन लोग के बीच में जो मैनिफेस्टो है, इनका जो विचार है, इनकी विचारधारा है, उनमें अंतर ही नहीं रह गया। एक एग्जांपल लेता हूँ, ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, अब दोनों एक ही जैसी हो गई है, कोई इनमें अंतर ही नहीं है, बुनियादी मसलों में ये बिल्कुल एक जैसे साथ रहती है, केवल यही है कि नीतियां लागू कैसे की जाएंगी, कैसे बनाई जाएंगी, इसी में अंतर है। तो ये कंजर्वेटिव और इसका कोई मतलब तो रहा नहीं ना, चाहे कंजर्वेटिव चुनो, ब्रिटेन वाले सोचेंगे, चाहे कंजर्वेटिव चुनो चाहे लेबर चुनो, दोनों ही एक ही जैसे हैं।
अब दलों को सुधारा कैसे जा सकता है? पहले देखिए कि कितना ज्यादा क्रिमिनल लोग हमारे लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में हैं, कितने पैसे वाले लोग हैं, मतलब सब ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग करोड़पति हैं या फिर वो कुछ ना कुछ इनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस है, ये आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। तो पार्टियों को सुधारने का क्या तरीका है? देखिए हम लोग कोई ऐसे तो नहीं है कि हम कुछ सुधारने चले, लेकिन पार्टियां खुद ही कर सकती हैं इसमें काम। पहली चीज तो ये है कि निर्वाचित जो विधायक और सांसद वो पार्टी नहीं बदलेंगे, तो इसके लिए बकायदा कानून बनाया गया है जिसका हम कहते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून में बकायदा संविधान में संशोधन किया गया है, इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि होता क्या था, एक साहब जो है वो पार्टी P1 से जीते, मान लीजिए कांग्रेस से जीते, उसके बाद वो क्या हुआ, बीजेपी को मेजोरिटी मिल गई जो अक्सर मिल रही है, अभी पूरे देश में बीजेपी का इलाज है मोस्टली। तो ये कांग्रेस वाला का आदमी क्या करेगा, ये चला जाएगा बीजेपी में, बीजेपी इसको ऑफर करेगी पैसा, बीजेपी ऑफर करेगी इसको मंत्री पद, तो ये चला जाएगा। इसको हम कहते हैं डिफेक्शन। तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना है, दल बदल कानून है, कि भाई अगर आप इसकी विचारधारा को मानते हो और इस पार्टी से चुनाव लड़े, अगर इसमें आप गए तो आपकी जो मतलब आपने जो चुनाव जीता वो रद्द हो जाएगा। दल बदलने पर, इस कानून के अनुसार दल बदलने पर सांसद और विधायक को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी जो उसने जीती है, दल बदल कानून बनाया गया है। पहली चीज तो यह है कि इस तरीके से सुधारा जा रहा है। दूसरा ये हो गया कि उच्चतम न्यायालय ने जो धनी और अपराधी लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है और जो अपराधी हैं जो इसमें आ गए हैं जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उसके लिए एक आदेश पारित किया गया है। आदेश पारित क्या किया गया है कि देखिए आप लोग एक शपथ पत्र देंगे, एक एफिडेविट देंगे, एफिडेविट में आपके बिल्कुल ये क्लियर लिखेंगे कि आपके खिलाफ क्या 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 वो चल रहे हैं, अगर कौन कौन से केस चल रहे हैं, साथ में आप अपना पैसा भी दिखाएंगे कि कहाँ से पैसा है, आपने आपकी बीवी के पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी ज्वेलरी है, आपके पास क्या गाड़ियां हैं, कितनी जमीन है, ये सब पैसा आपको देना, ये सबको बताना एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट में देना अनिवार्य हो गया है। दूसरी चीज ये हो गई। अब आइए, चुनाव आयोग ने एक आदेश पारित किया गया है जिसमें जो राजनीतिक दल हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस, CPI, ये सब बड़े बड़े जो दल हैं, खासतौर पर और जो दल हैं जो बड़े बड़े माने हुए दल हैं, उसमें उनको एक तो संगठनात्मक जो संगठन के साथ, ये थोड़ा शब्द कठिन है तो फिर से बोलने की कोशिश करता हूँ, संगठनात्मक जो चुनाव कराने का इन्होंने कहा है कि देखिए साहब आप ना अपने एक संगठन में बकायदा चुनाव करिए, ऐसा नहीं कि एक आदमी जो है वही उसी को आप उसके अनुयायी बने हुए समर्थक बने हुए, सभी लोग को मौका मिलना चाहिए, इसलिए बकायदा संगठन के तौर पे चुनाव कराइए। और आयकर रिटर्न ये कंपनी दाखिल करेगी कि भाई तुमने आपने जितना कमाया, जितना फंड मिला, जो भी मिला उसका कितना इनकम टैक्स आपने पे किया है सरकार को, तो ये इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा। ये हो गया, ये सब सुधार है या कहें कि सरकार की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अलग अलग लोगों ने इनके कोशिश की है कि भाई किसी तरीके से ये जितने भी अपराधी और जितने भी पैसे वाले पहुंच रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है पैसे वाला का पहुंचना, लेकिन सबको समान वो मिलना चाहिए राजनीतिक दल, ऐसा ना हो कि केवल इन्हीं लोग को पहुंचाते रहे। इसके अलावा कई और भी सुझाव हैं जो हम दे सकते हैं या फिर जो जो राजनीतिक दल मान सकते हैं। क्या क्या है? पहला पहला यह है कि राजनीतिक दल का जो आंतरिक मामला है उसको पहले तो व्यवस्थित किया जाए, एक कानून बनाना चाहिए इसके लिए कि भाई आपका जो व्यवस्था है या जिसे कहेंगे कि आप एक, इसके लिए शब्द आता है विनियम, विनियमता होनी चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। जो राजनीतिक दल है वो पूरे सदस्यों का एक बकायदा रजिस्टर बनाए, उनको पता ही नहीं रहता कि सदस्य कौन से, कोई रजिस्टर ही नहीं बना हुआ है, एक सदस्यों का रजिस्टर बने और ये देखें कि हर एक पद के लिए हर आदमी की उपलब्धता हो, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही आदमी हमेशा जीतता रहे, सब जो है वो एक संगठन में है तो वो भी चुनाव लड़ सके या फिर अपनी पार्टी में आगे बढ़ सके। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए न्यूनतम संख्या में टिकट लगभग 1/3 यानी 1/3 अगर किसी तरीके से महिलाओं को मिल जाए, महिला उम्मीदवार, ये अगर अनिवार्य हो जाए कि हर जो राजनीतिक दल है 1/3 यानी करीबन 33% महिलाएं उतारेगा, जैसे बीजू जनता दल ने क्या किया था 2019 के चुनाव में, AITC जो तृणमूल कांग्रेस है उसने क्या किया था, इन्होंने 33% वाकई में दे दिया महिला उम्मीदवारों को, तो बहुत बड़ी बात हुई। ये सबके लिए होना चाहिए। इसके लिए चुनावों का राज्य वित्त पोषण होना चाहिए, यानी कि अब देश इन राजनीतिक पार्टियों को पैसा दे, भी बहुत बड़ी बात है कि ये पता नहीं कितने लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन ये भी एक सुझाव हो सकता है, जैसे पेट्रोल, कागज, फोन, इस तरीके से, या जो पार्टी को जितना वोट मिला है उसके हिसाब से पैसा दिया जा सकता है, ये नगद पैसा दिया जा सकता है, ताकि इसका जो मेन एम है वो ये है कि राजनीतिक पार्टियों को बहुत फंड मिलता है, अब वो
फंड मिलता है बड़े लोगों से, फिर वो निकले पॉलिसी बनाने लगती है या उनके निर्णय लेने लगती है, या बहुत पैसा हो जाता है तो फिर वो बाकी पार्टियों को दबाने लगती है। ये ना हो इसलिए ये किया गया है। कुछ और भी तरीके हैं। एक तो लोग राजनीतिक दलों पर दबाव डाल सकते हैं, भाई अगर आप याचिका करेंगे, प्रचार करेंगे, आंदोलन के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे जो राजनीतिक दल है कि देखिए साहब ये करिए, ये सब चीज़ें आप करिए, अगर ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो राजनीतिक दल को जब ये लगेगा कि अगर उन्होंने ये सुधार नहीं लाए तो उनका जनाधार गिर जाएगा, मतलब जो उनको वोट देते हैं वो उनसे छिटक जाएंगे, तो उनकी जो छवि है, उनकी जो इमेज है वो ख़राब होगी। तो अगर उनको ये गंभीरता से तभी लेंगे जब लोग कहेंगे कि देखिए साहब आपने अगर ये सब चेंजेस नहीं किए, 33% अगर आपने महिलाओं को सीट नहीं दी या फिर उम्मीदवार नहीं बनाए, तो वो खुद ही दल अपना अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। सुधारने का एक दूसरा तरीका ये है कि भाई आप खुद ही उसमें आ जाइए, राजनीति में आ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप राजनीति सुधार सकते हैं तो राजनीति में आ जाइए, क्योंकि खराब राजनीति का समाधान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति हो और अच्छी राजनीति हो। यही पॉलिटिकल पार्टीज की सारी कहानी है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थोड़ा जल्दी इसको कराया गया है, मैंने बोला क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, लंबा चैप्टर है, इसलिए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने पूरी कराने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया।